लोक माता अहिल्याबाई होलकर की जयंती धूमधाम से मनाई गई, निकाली गई शोभा यात्रा। कस्बा सिडपुरा के राधिका गार्डन में लोक माता अहिल्याबाई होलकर की 298वीं जयंती समारोह एवं भव्य शोभा यात्रा का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि महेंद्र सिंह बघेल एवं डीएस पाल, जैनेन्द्र पाल, श्रीराम पाल का फूलमाला पहनाकर स्वागत किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि एवं विशिष्ट अतिथि ने विकास खंड सिडपुरा के 10वीं एवं 12वीं के मेधावी छात्रों एवं वृद्धजनों को सम्मानित किया गया। मंच के माध्यम से मुख्य अतिथि महेंद्र सिंह पाल ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि हम सभी लोकमाता अहिल्याबाई होलकर के वंशज हैं। समाज में इस प्रकार के कार्यक्रम होते रहने चाहिए। विशिष्ट अतिथि डीएम पाल ने अपने संबोधन में कहा कि समाज में इस प्रकार के कार्यक्रम से समाज में जागरूकता आती है। विशिष्ट अतिथि जैनेन्द्र पाल ने कहा कि समाज के हर नागरिक को संगठित रहना चाहिए, हर किसी को समाज के कार्यक्रम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना चाहिए। कार्यक्रम के अंत में मुख्य अतिथि एवं विशिष्ट अतिथि ने फीता काटकर शोभा यात्रा का शुभारंभ किया। शोभा यात्रा का शुभारंभ राधिका गार्डन बिचोला रोड सिडपुरा में बैंड बाजों की धुन हुआ, जो कस्बा सिडपुरा के प्रमुख मार्गों पर निकाली गई। शोभा यात्रा में सबसे आगे लोकमाता अहिल्याबाई होलकर की झांकी थी, इसके पीछे अन्य झांकियां शोभा यात्रा को सुशोभित कर रही थी। शोभा यात्रा में सैकड़ों लोग मौजूद रहे। इस दौरान तरुण पाल, रिंकू पाल, गजेंद्र पाल, श्रीराम पाल, राजवीर सिंह पाल, अजय पाल, विनोद पाल, सुनील पाल, आयुष पाल, जगदीश पाल, अजय पाल बघेल, पूजा पाल, रामपक्ष, विवेक पाल, मंच का सफल संचालन सत्यप्रकाश पाल ने किया।